ओके, तो आप वाईफाई का पासवर्ड भूल गए हो और जानना चाहते हो कि किसी भी वाईफाई कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से जान सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप वाईफाई का पासवर्ड लगाते हो, उस वाईफाई का पासवर्ड क्या होता है आपको मालूम नहीं होता है और वाईफाई वो कनेक्ट रहता है। तो गैस ऐसे में आप जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट है उसका वाईफाई का पासवर्ड आसानी बहुत ही ईजी तरीके से जान सकते हो। गैस मैं ऐसे दो मेथड बताऊँगा, उससे आप इजीली बहुत ही आसानी तरीके से आप जान पाएंगे वाईफाई का पासवर्ड। कई बार क्या होता है कि हम दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ पर हमें उससे बोल कर कनेक्ट करवाना पड़ता है, तो जो भी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट होता है वाईफाई उसका वाईफाई का पासवर्ड जानकर आप उसे ना बोलकर भी कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजी तरीका से। तो गाइस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं कुनालज लैटिट्यूड। सब दिन एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है run, आपको सर्च करना है run लिखकर आपको सर्च कर देना है। इसके बाद इसको ओपन कर लेना। चलिए हम यहाँ पे रन एप्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में cmd कमांड को ओपन करना होगा। गाइस यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ cmd कमांड, लिखकर आपको इंटर प्रेस करना होगा या तो ओके पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे कीजिएगा यहाँ पे खुल कर कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा नितेश। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नितेश, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना होगा नितेश स्पेच ब्लान स्पेच सो स्पेच। उसके बाद आपको लिखना होगा प्रोफाइल। चलिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिख दिया हूँ। इसके बाद आपको स्पेच देना होगा, फिर इसके बाद आपको नेम स्पेच नहीं, आपको यहाँ पे इजकल टू लगाना होगा। चलिए मैं यहाँ पे इजकल टू लगाता हूँ। इसके बाद आपको लिखना होगा फिर जो भी वाईफाई का जो पासपोर्ट होगा, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में चले जाना है। इसके बाद अपना वाईफाई पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पता कर लेना होगा कौन सा वाईफाई मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट है। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा वाईफाई कनेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीवो 1816, जो यहाँ पे जिसका नाम रहेगा आपको वहाँ पे वही उसी नाम को यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वीवो 1816 है तो मैं यहाँ पे 1816 लिख देता हूँ। तो नेम इसकल टू बराबर वीवो स्पेच 1816 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे 1816 लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेच देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे स्पेच देता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे स्पेच देने के बाद के स्पेच क्लियर मैं इसको जूम करके एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार होता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नितेश प्लान सो प्रोफाइल नेम वाईफाई के। तो आपको इस प्रकार कुछ वहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरप्रेस, जैसे ही इंटरप्रेस कीजिएगा तो आपके सामने वाईफाई का सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि सिक्योरिटी सेटिंग के नीचे यहाँ पे सबसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे के कॉन्टैक्ट रहेगा। ये इसका सामने जो भी यहाँ पे दिख रहा है ब्लर करके मैं सिक्योरिटी के थी से ब्लर कर दिया हूँ। उसके बाद वही आपका वाईफाई का पासपोर्ट है जैसा कि यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है। तो गैस यही वाईफाई का पासपोर्ट है। ये तो हो गया पहला मेथड। तो गैस ये तो था पहला मेथड जो कि आपने देखा कि मैंने रन कमांड खोल कर इसमें आसानी से टाइप करके यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट ले लिए बहुत आसानी से जा सकते हो। गैस अब चलते हैं दूसरे मेथड की ओर और वहाँ पे आपको बताते हैं किस प्रकार यहाँ पे दूसरा मेथड काम करता है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा। सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा कंट्रोल पैनल। चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल को सर्च बार में टाइप करता हूँ और खुलकर कुछ इस प्रकार आ गया कंट्रोल पैनल control panel यहाँ पे खुलकर आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलकर आ गया, कुछ टाइम लगेगा। चलिए यहाँ पे खुलकर इस प्रकार इंटरफेस आ गया है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा जैसे कि आप यहाँ पे खुलने दीजिए सबसे, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सर्च हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो टिक लगा नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे डबल क्लिक कीजिएगा
तो खुलकर कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे खुलकर कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ गया। इसके बाद यहाँ पे जिसे देख सकते हैं कनेक्ट वाईफाई, जो भी कनेक्ट है उस पर आपको वाईफाई वीवो 1600 कनेक्ट है उस पर हम आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा इस पर भी। चलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा आपके सामने। फिर इसके बाद वायरलेस प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे वायरलेस प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है सिक्योरिटी के यहाँ पे आपका वही आपका क्या बोलते हैं पासवर्ड है। तो गाइस इसको आप जो डाउनलोड दिख रहा है इसको आप ये शो चैप्टर को आपको यहाँ पे जैसे ही शो कीजिएगा तो आपका यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे शो चैप्टर कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है वही मेरा पासवर्ड है। तो गाइस ये इसी प्रकार से होता है। और इसके बाद मैं चलिए इसको हटा देता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जय हिंद जय भारत।